अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। सबसे पहले हम बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब का शिकंजा तंग होता जा रहा है और करप्शन केसेस पर अब नैब अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रही है और इस हवाले से एहतसाब का अमल भी तेजी से जारी है। एहतसाब की यह नई लहर है या कुछ और है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से यह बयान सामने आया है कि मीर मुनव्वर तालपुर पर जो मुकदमा कायम किया गया है उस हवाले से उन्होंने कहा कि मियां साहब ने हमें 2016 का तोहफा दिया है। लेकिन तरदीद तो उन्होंने नहीं की ना। बात यह है कि ये या तो एहतसाब इस मुल्क में होता ही नहीं, ये नहीं पूछता ही कोई नहीं। ये 20 बरस तक 25 बरस तक या 18 कितना अरसा जी ये इतफाक का कर्जे रहे ना जी, किसी ने पूछा उनसे? अदालतों में घिसटते रहे। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ 6-7 साल 5 साल स्टे ऑर्डर पे निकाल गया, तो पूछता ही कोई नहीं। और भी बहुत से लोग हैं लेकिन जरदारी साहब से भी कागजात ही गुम हो जाते हैं, अभी गुम हुए ना उनके कितने। या ये है कि हिजान में आके हर आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगते हैं। पहले कोई काम तो कर लो भाई, पहले कोई एविडेंस तो जमा कर लो ना। और वो बताओ, जब किसी शख्स को, वो गांधी ने कहा था कि जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिए और मेरी बदनामी कर दी तो मेरी जिल्लत तो हो गई ना, बाद में साबित होता रहेगा कि ठीक था या नहीं ठीक था। और कुछ लोगों के बिला वजह नहीं दर्ज हो रहे मुकदमा की एविडेंस जमा करें प्रॉपर उसका। मुझे, मैं किस वजह से ये कह रहा हूँ, दो वजह से मैं कह रहा हूँ कि बगैर तैयारी के बगैर सोचे समझे बाज काम किए जा रहे हैं। कमर जमान चौधरी तो एक मोहरा है, वो तो नून लीग की लीडरशिप भी रोती है, वो सिंध वाले भी रोते हैं, सभी रोते हैं। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपको याद 150 केस ले गया था, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उससे? भाई नायब का चेयरमैन उस शख्स को लगाए जो काले को काला कहे, सफायद को सफायद कहे, जो केस लेके जाए अदालत में, नायब लेके जाए तो वो साबित हो जाए। ये है ना असल काम। माफ तो किसी को नहीं किया जाए। ये जन कहनी वाले किस्से पे मुझे इतना सदमा पहुंचा, मैं अल्फाज में उसे बयान नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि आज तक एक बात उनके भाइयों के खिलाफ साबित नहीं, एक वन सिंगल, छोटे से छोटी। हर 3 महीने के बाद कंपेन शुरू होती है, ठीक है। मुझे भी बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की मगर मैं तो समझने से इनकार कर देता हूं ऐसे मौके पर, भला कोई एविडेंस लाइए। दूसरी बात यह है कि कैनी के भाइयों का अगर कोई कसूर है तो उनका कसूर है ना। अगर मैंने 300 आदमियों को भी कत्ल किया तो मेरा बाप उसका जिम्मेदार है, मेरे भाई उसके जिम्मेदार हैं। पहली बात तो यह है कि कोई चीज आज तक उनके खिलाफ साबित नहीं हुई। कितना अरसा हो गया जनरल कैनी को क्या हुआ? मैं अर्ज करता हूँ, वो तो गुलाब को कंपनी है। अच्छा, कैनी तो उसका कामरान तो उसका हिस्सेदार ही नहीं है। दूसरी आप वाकयात देखें, ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले की बात है कि सऊदी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये कहा, आपको याद है क्या निकला उसमें से? आखिर शामी साहब को कहना पड़ा, मुजीब रहमान शामी साहब को, भाई हारून रशीद को एक इंटरव्यू दे दे। अब उनका भी एक मसला है कि वो बोलना पसंद ही नहीं करते, वो खामोश रहना चाहते। वो कहते हैं अच्छा भाई गालियां दे लो, इल्जाम तराशी कर लो, मैं नहीं बोलता। ऑस्ट्रेलिया वो जा रहे थे जी, अखबार में खबर छपी और एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया। मैंने पूछा उनके फैमिली सोर्सेज से, थोड़ा सा उनसे भी रब्ता हुआ, भाई आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उनका ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक वीजा अप्लाई करना पड़ता है ना? बिल्कुल, मैं तो वीजा ही नहीं अप्लाई किया। वो वीजा अप्लाई करता, वीजा मिलता, एयरपोर्ट जाता, फिर मुझे कोई रोकता। तो ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? मैं अर्ज करता हूँ ना आपसे, एक आद नहीं है, अमरीकी उनसे नाखुश हैं। 7 महीने सलाला चौकी पर उन्होंने हमला किया तो सप्लाई बंद रही थी, अफगानिस्तान में कोई रोल उन्होंने दिया। तालिबान उनसे खुश हैं आपके ख्याल में? काफ लीग उनसे खुश है, 2008 में उन्होंने धांधली रोक दी थी। जनरल मुशर्रफ उनसे खुश हैं, जो धांधली करना चाहते थे उन्होंने करने नहीं दी थी। और हासदीन कराम तो हर एक के होते हैं भाई, अगर कोई बात है तो वो सामने लाओ। मतलब वो मेरे घर के पास जमीन थी कि जी वहां उन्होंने वो DHA से मुआहदा किया, प्लाट नहीं दिए, ये किया। जब जाके कागजात देखे, कामरान का ताल्लुक ही दूर दूर तक उससे नहीं था। वो कंपनी बनी तो उसका डायरेक्टर था, कंपनी के बिजनेस शुरू करने से पहले वो उसे छोड़ गया किसी वजह से भी, कभी उसकी नहीं बनी है, उसने समझा कि वो काम वाम। यानी ये कोई केस ही नहीं है, ये कोई स्कैंडल ही नहीं है? नहीं, वो गुलाब को कंपनी का जो भी मामला है, कल तक मैं उसकी तफसीलात जमा करता हूँ, उनका मौकफ सुनता हूँ। ऐसे थोड़ी हम राय दे सकते हैं और DHA का मौकफ सुनते हैं। अखबार में खबर छपवाने से क्या होता है? देखिए ना, जनरल कैनी के बारे में, मतलब मैंने उनसे उस जमाने में पूछा जब वो सर्विंग चीफ थे कि ये क्या किस्सा है, ये आपके भाई जो है बड़े खबरें आ रही है। एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा जी लाहौर में जनरल कैनी का फार्म हाउस बन रहा है। मैंने कहा कोई नहीं बन रहा,
वो कोई बन रहा हो तो कहीं उसका जिक्र हो, वो मकान बनता है तो एक जमीन पे बनता है ना, वहां ईंटें होती हैं, सरिया होता है, लकड़ी होती है, कोई नहीं पता किया कोई नहीं। वो बाद में उन्होंने 1.5 कनाल का वहां मकान बनाया उसी गली में जहां वो रहते थे बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। और भी जो भी किसे सुना, वो एक दफा उन्होंने मुझे कहा तंग आ गए यार मैं क्या करूं, इस घर में एक सालन पकता है। उन्होंने कहा मैंने 1 रुपया अपने भाइयों से कभी लिया है नहीं, मैंने इनकी परवरिश की, मेरे वालिद जवानी में इंतकाल कर गए थे, यानी ये जवान थे तो उनके वालिद इंतकाल कर गए, कभी इनके कारोबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक दफा शहबाज शरीफ ने मुझे जितलाया कि आपका भाई हमारे साथ काम कर रहा है यहाँ रिंग रोड पे, तो मैंने कहा काम करता तो ठीक करता तो करे, नहीं तो किक हिम आउट। सारी जिंदगी उन्होंने कहा मैंने किसी को फोन नहीं किया, इनके लिए सिफारिश नहीं की, रुका लिख के नहीं देखो। उनके भाइयों की गलती है मैं समझता हूँ, उन्हें डीएचए का काम नहीं करना चाहिए था। उनका भाई आर्मी चीफ था, उन्हें डीएचए का काम फेज 5 में यहां उन्होंने किया गालबन और वहां कुछ कराची में किया, नहीं करना चाहिए था। और अब यह करना चाहिए कि अपना सारा अकाउंट छाप दें, ये बिजनेस किया है, इतना टैक्स पे किया है और लोगों के सामने है, जब क्या नहीं तो नहीं आएंगे, मैं उन्हें जानता हूं। कभी किसी सूरत में आप उन्हें कहें कि वो हीरोइन बेचते हैं, आप उन्होंने कहें वो 3 लाख आदमी उन्होंने कत्ल किया, वो कभी इसका जवाब नहीं दें। अच्छा अबीब साहब, इस मामले के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए बात यह है कि जो ये पर्टिकुलर मामला है जिसपे तफ्तीश हो रही है, ये यहाँ लाहौर का किस्सा है। ठीक है, लाहौर में भी डीएचए ईएमई सेक्टर जो मुल्तान रोड पे बनना था, ईएमई एक जो मौजूदा सेक्टर है उसके बिल्कुल अपोजिट एक जगह थी, वहां पर खरीशापुर कांजरा के करीब वहां पर तय यह हुआ था कि वहां पर भी ईएमई सेक्टर बनेगा और दरिया तक चला जाएगा, दरिया रावी तक। उसमें जमीन का मामला था। अब अगेन बात यह है कि ये चूंकि ऐसी चीज होती है जिसके बारे में लोग घुमा, स्पेकुलेशन ज्यादा की जाती है, होती कम है। प्रैक्टिकली इसमें कामरान कैनी साहब जो थे, वो जो लोग कहते हैं वो ये है कि इसमें इन्वॉल्व इस तरह था कि इन्होंने जमीन खरीद के देनी थी और उसके इवज इन्हें कुछ फाइल्स मिलनी थी। ठीक है, अब हुआ ये इल्जाम की नवीयत यह है कि इन्होंने फाइल्स ज्यादा बेच दी, जमीन इनके पास कम थी ऑन बिहाफ ऑफ डीएचए। अच्छा नहीं, मगर मैं अच्छा। आपसे कह रहा हूं वो कंपनी वाले भी यही कह रहे हैं, उनके फैमिली सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि उस कंपनी से उनका ताल्लुक ही नहीं है। जी अब हारून साहब मसला ये है ना, गुजारे ये एक तो यह है ना, इस प्रोग्राम में कोई बात होती है तो आपका मुझसे ताल्लुक है, बिल्कुल वो कसूरवार फिर भी मैं हूंगा अगर मैं गलत बात कर रहा हूं। लेकिन एक कालम किसी और अखबार में मैंने छापा था, कभी लिखा था, फर्ज कीजिए गलत लिखा था, और रोजनामा दुनिया को कोई नोटिस सर्व करे और कहे कि जी ये रोजनामा दुनिया से मुलव्वस है और दुनिया टीवी से मुलव्वस है, ओ भाई उस कंपनी से कभी उसका ताल्लुक था, जब उसने फंक्शन करना शुरू किया तो वो ताल्लुक खत्म हो गया। एक और एक कंपनी जो है वो ये नाम नहीं जहन में अभी याद आ जाता है, उससे उसका ताल्लुक ही नहीं है। जी अच्छा, अब इस कंपनी के साथ जो तफ्तीश हुई, इसके चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव नैब की तहवील में, उनसे बात हुई जब नैब वालों ने की, तो नैब वाले ये कहते हैं कि हमें कुछ क्लूज ऐसे मिले हैं, हमादर्शद से कुछ क्लूज ऐसे मिले हैं जिनसे अब इनसे तफ्तीश की जाएगी कामरान से। जैसे इंडिया को क्लू मिले हैं कि हमने धमाका। अच्छा अब उसमें हो सकता है तफ्तीश में ये वैसी बात हो कि बेगुनाह हो, कहेंगे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या मेरा कोई, मैं बहुत तफसीलात में नहीं जाना चाहता, बड़ा कमीनापन लोग कर रहे हैं, जेलेसीज हैं, इल्जाम तराशी की जरा नोये देखें, जरा नोये देखें। जनरल कियानी ने कुछ नहीं किया, वो कहे एक आदमी कह रहा था अल्लामा इकबाल तो बड़े काहिल आदमी ने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ये 7 दीवान आपके चचा ने लिखे हैं या मेरे बाप ने लिखे हैं। जनरल कियानी ने कुछ नहीं किया, 6 एजेंसियां क्लियर कर दी, स्वात में 3 महीने में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, इंडिया को कोई रोल लेने नहीं दिया अफगानिस्तान में, साफ सुथरी जिंदगी गुजारी। बात यह है कि लोग चढ़ते सूरज के साथ होते हैं, अब वो चले गए और चूंकि पीआर के आदमी नहीं है, कोई खुशामदी पैदा नहीं किए, उनका कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं है, खामोश रहते हैं, शरीफ आदमी अगर आर्मी चीफ भी हो तो उसको गाली पड़ती। लेकिन हारून साहब एक चीज तो फैक्ट है, वो ये है कि उनका जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके दौरे सिपा सालारी में उनके भाई अमीर हुए। क्या अमीर हुए यार, हाउ डू यू नो? इस पर हम बात करेंगे हारून साहब, क्या अमीर हुए? लेकिन यहाँ पे नाज़िर मैं तो कहता हूँ अपना सारा खाता छापे हो, जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एहतसाब की नई लहर के हवाले से। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि कियानी साहब के दौरे से पर सालारी में उनके भाई अमीर हुए, इस बात का सबूत क्या है? देखिए, इसका सबूत यह है कि उनका लाइफस्टाइल, बात यह है कि अचानक उन्हें बड़े बड़े ठेके भी मिलना शुरू हो गए। लाइफस्टाइल आपने उनका कहाँ देखा है? लेकिन मैंने तो देखा है हारून साहब, मैं आपको उनके घर देखे। देखिए, मैंने उनका घर नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये पूरी मुसद्दका बात बता रहा हूँ कि उनके लाइफस्टाइल में 2006 से ऑनवर्ड कैसी कैसी तब्दीलियां आई और जैसी जैसी तब्दीलियां और बैंक अकाउंट्स में कैसे पैसे आए। नहीं नहीं, जो लाइफस्टाइल वाले बताएं। अरुण साहब सुन लेना, अब आप सुन ले, आप डिफेंस जरूर करें उनका, ठीक है, लेकिन बात यह है यक मेरे अकाउंट में 2006 में जब मेरा अकाउंट शुरू, जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास चंद लाख रुपए थे और जब मैं एंड कर रहा हूँ 2008 के बाद मेरे पास अचानक अरबों रुपए कहाँ से आए? अरबों रुपए नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये बात मुकम्मल कर ले, उसके बाद आप और सुन लेना, उसके बाद फिर दूसरे भाई के ऊपर, दूसरे भाई के बारे में भी जो तरह तरह की बातें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मशहूर है, तरह तरह की बातें को छोड़ें, स्पेसिफिक इल्जाम ये है कि जनरल कियानी की पोस्ट का फायदा उठाया। देखिए, जनरल कियानी ने ये बात, मैं बात मानता हूँ कि उन्होंने कभी कोई रुका नहीं लिखा होगा, कभी कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अगर मेरा भाई आर्मी स्टाफ है तो फिर क्या मुझे किसी रुके की जरूरत है? क्या मुझे किसी को सिफारिश करवाने की जरूरत है? देखिए, बात यह कि काम हुए हैं, ये चीजें हुई हैं। और फिर जो आप बात कर रहे हैं रिंग रोड वाला, रिंग रोड में यस, कामरान कियानी वाज लाइक ही वाज रिक्वेस्टेड टू गो आउट, लीव द प्रोजेक्ट, लेकिन कैसे? नो लेकिन कैसे? नो सर। उसमें कौन कौन इंटरवीन, किस किसने किया? नो सर, नो। ये सारी अफवाहें हैं, घड़ी गई हैं, फैलाई गई हैं। पेमेंट का एक झगड़ा था, उस पे उनका मौकअप था, उस पे पंजाब हुकूमत ने कभी नोटिस सर्व नहीं किया, कभी किसी कोर्ट में नहीं गई, कभी एतराज नहीं किया। देखिए उस वक्त क्या, और सुनिए, इमरान कियानी के खिलाफ कोर्ट में कोई जाता? सुनिए सुनिए, नहीं बाद में एक मिनट साहब, नवाज शरीफ उनसे नाखुश थे कि वो जनरल मुशर्रफ के साथी हैं, काफ लीग नाखुश कि उन्होंने 2008 में धांधली बिल्कुल नहीं होने दी, जनरल मुशर्रफ नाखुश कि वो इसी वजह से धांधली नहीं करने दी, वो करना चाहते थे, वो वजीर आजम किसको बनाना चाहते थे आपको पता है, अमरीकी नाखुश। मीडिया में मैं आपको गिन के नाम बाय नाम लेना नहीं चाहता, जो ये कहते हैं कि हमें ब्रीफिंग में क्यों नहीं बुलाता था, अब मजा चखे, ठीक है, ब्रीफिंग में वो नहीं बुलाता था। जनरल कियानी का बॉक्स है, शरीफ आदमी है ना, और शरीफ आदमी को ये माशरा कभी बर्दाश्त नहीं करता, कभी माफ। अब देखिए, आप हैं अखबार रवीस, आपका काम ही यह है कारपोरेट बिजनेस, यही है जी, इसी में आपकी एक्सपर्टीज है। आप अगले हफ्ते तक, दो हफ्ते तक, तीन हफ्ते, जितना वक्त चाहिए हो काम का मुझे अंदाजा नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहां आके कह दें कि ये उन्होंने किया है, वो करप्ट है, मैं मान लूंगा। हारून साहब, बात ये है नहीं कि मगर इल्जाम वादे होने चाहिए और सबूत होने चाहिए। हारून साहब, बात यह है, आप लाइफ स्टाइल का पूछ लें, क्या लाइफ स्टाइल का बताता हूं आपको, वो उनके जो भाई हैं अमजद, उनके घर में गया, उनका मकान वहां था जहां मैंने बनाने से इनकार कर दिया था कि इस कॉलोनी की सड़कें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, ठीक, मैंने उसे एक दूसरी जगह बनाया जो उससे बेहतर है, जहां जब वो जमीन उन्होंने खरीदी है तो मेरा ख्याल बहुत कीमत होगी, तो 20 लाख रुपए कनाल होगी, 2 कनाल का घर। ये कब की बात है? 10-15 साल पहले है, ठीक है, 4 लाख रुपए कनाल इस्लामाबाद के नवाई इलाका है ना, मैंने खरीदी 4 लाख रुपए कनाल, डेवलप्ड लैंड, जमीन की कीमत इसी तरह बढ़ती है, अब उस कॉलोनी में है 60 लाख रुपए कनाल, अब यहां भी गुलरेज उसका नाम है, सरगोदा के एक एमएनए होते थे, नून लिख के उन्होंने बनाई थी, और सड़कों को खाद अच्छी नहीं, अच्छे भले आदमी थे वैसे वो, तो उसमें तनाजे बनाजे बहुत थे, तो उसकी कीमत और भी गिर गई थी। एक उनका होटल है वो मैंने देखा है, कोई ऐसा होटल नहीं है, मैं तो वहां जाना कभी पसंद ही ना करूं, इतनी गर्मी थी कि मैं तो वहां से उठ के आ गया, एक दफा मुझे जाना पड़ा, मुझे नहीं पता था उनका है, कोई दोस्तों के साथ गया था। कराची की बात करें जी, यहाँ रावलपिंडी, कराची में भी तो रावलपिंडी में, कराची मुझे नहीं पता। देखिए, मैं तो उनसे ये कहता हूं कि वो नंबर वन तो हर चीज अपनी ट्रांसपेरेंट करे, ये उनका बिजनेस है, ये उनके एसेट्स हैं, वो बता दें, और वो नहीं करते तो नैब वाले कर दें, कोई करे, अखबार नवीस करें, बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ये उनका बिजनेस है, इतने पैसे उन्होंने कमाया 20 साल में। वैसे मैं तो आपको पता बिजनेस करता हूं, 15 साल में मेरे पास वक्त ही नहीं बिजनेस का, 2-4 करोड़ रुपए तो मैंने भी कमाया और टैक्स पे किया उसका, ये हवा में नहीं। साहब गुजारिश सुने, गुजारिश सुने,
ये स्पेसिफिक इल्जाम होने चाहिए, ये किया है, ये सुनने में आया, ये कहा है। और जो अखबार में ये कर रहे हैं ना, उन्हें हम जानते हैं हारून साहब, और हम ये भी जानते हैं किसके कहने पे कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो बड़ी तय है कि इधर मेरा भाई सिपा सालार बनता है और मैं और मुझसे बड़ी बड़ी पार्टियां रابطہ करना शुरू कर देती हैं कि आप प्रॉपर्टी के काम में हैं तो जरा ये भी काम कर दें। उसके बाद दूसरे भाई को ऑफर होती है कि जनाब एक एक साबिक ब्रिगेडियर साहब, वो उन्हें बुलाते हैं, फोन करते हैं कि जनाब आए ना जरा मिलकर कुछ काम करते हैं। ऐसे ना करें। अच्छा देखे हारून साहब, ऐसे ना करें, ये तो फैक्ट है। कौन सी फैक्ट यार, स्पेसिफिकली बताएं, फलां प्रोजेक्ट इतना काम किया, मतलब 1 करोड़ रुपए का काम किया, उसमें 20 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, ठीक वो बताए ना। और अगर आप ये तहकीक करने के बाद कह दें ये जो प्रोजेक्ट, तो मैं मान लूंगा। अच्छा, इसकी तहकीक करें ना जी। अच्छा, हवा में और कमर जमा का कहना मैं मान लूं, फौजी हलकों, मुझे नहीं पता कमर जमा किसके कहने पे एक्ट करता है। साहब, फौजी हलकों में इस सारे मामले को लेकर क्या राय? देखिए मेरी मालूम, ये मामला पहले से मेरे इल्म में है और ये मुझे पता है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। फौज के अंदर एहतसाब की ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, अगरचे ये डायरेक्टली फौज से लिंक नहीं है, लेकिन फौज के अंदर जनरल राहील शरीफ के आने के बाद एहतसाब की एक ड्राइव है। अच्छा। वो ऐसी ड्राइव है कि इंटरनली हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। मेरी मालूमात के मुताबिक, और हारून साहब भी इस कुछ चीजों को वो यानी उन चीजों को जानते हैं कि उन्होंने चंद आला अफसरों को मतलब उनके ओहदों से भी हटाया, उनके अकाउंट्स भी चेक किए, किसी के बारे में अगर उन्हें पता चला कि जनाब इसने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको भी उन्होंने चेक किया। अच्छा। किसी के बारे में पता चला कि उसके बेटे ने या किसी भाई ने बड़ी गाड़ी खरीदी है तो ये भी, ये दोनों वाकयात मैं किसी किसी के उन्मान से बता रहा हूं, लेकिन ये दो लोगों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा है कि एक के खिलाफ बड़ी गाड़ी खरीदारी का मामला हुआ, ठीक है, मालूम हुआ, और एक के फॉर्म। यार मैं दर्जनों केस बता सकता हूं जिसमें जनरल राहील कुछ भी नहीं कर सके और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि वो चाहते हैं करप्शन खत्म हो। मैं आपको दर्जनों वाकयात बता सकता हूं जिसमें जनरल कैनी ने कार्रवाई की। आखिरी बात यह है हुजूर वाला कि उनके भाई कसूरवार है ना, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो जाए, या आप ही साबित कर दें, कोर्ट ऑफ लॉ को छोड़े, जनरल कैनी का जुर्म क्या है जी, उनके भाई हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाज़िया, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़िया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एहतसाब की नई लहर के हवाले से। अच्छा, अभी सब जरदारी साहब के बहनोई की भी बात कर लेते हैं, मीर मुनव्वर तालपुर के हवाले से। पहले आसिम हुसैन, अब मीर मुनव्वर तालपुर, काम कुछ और आगे भी बढ़ेगा? देखिए, मीर मुनव्वर तालपुर के ऊपर मुकदमा कायम करना, बेसिकली मुकदमा तो कायम नहीं हुआ, उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की है नैब ने। उनकी जो उनका तरीकेकार है कि 2 महीने पहले शिकायत आती है, फिर उसकी जांच पड़ताल होती है, और फिर वो बोर्ड में जाती है, और फिर इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है। तो उनके खिलाफ इल्जाम बड़ा वेग है। इल्जाम यह है कि ये अपने जराए आमदन से ज्यादा की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक, लाइफस्टाइल वाली बात, देखिए जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मीर मुनव्वर अली तालपुर जो है वो एक जाती तौर पे कुछ टूटे हुए शख्स है। अच्छा। उसकी वजह के उनके नौजवान बेटे ने 14-15 साल पहले, गए की बच्चा था, उसने खुदकुशी कर ली थी। अच्छा। तो इस वजह से उनका कोई यानी थोड़ा सा उनकी जिंदगी के बारे में जो तनाजुर है वो हम आम लोगों से अलग है, वो को बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में है नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो उनके हल्के के लोग डिप्रेशन का शिकार, जो उनके हल्के के लोग हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी उनके ऊपर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाने की सोच भी नहीं सकते कि मीर मुनव्वर अली तालपुर जो है वो अपने हल्के में एक साफ आदमी की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। तीसरी यह है कि मीर उनका जो फरियाल तालपुर साहिबा का हल्का अलग है, इनका हल्का अलग है, और ये ज्यादा वक्त फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, सिर्फ ये अमूमन इनकी कराची में मुलाकात होती है, ज्यादातर वक्त ये अपने गांव में रहते हैं। इनके वो जो है एक जगह है मीरपुर खास से डिग्री के रास्ते में, सैयद आफदा हुसैन का हल्का अलग है, फखरे मामा अलग है, हल्का अलग। यानी ये झूठा मुकदमा, मेरा ख्याल ये है कि इनके खिलाफ इस तरह का केस बनाना या इस तरह की कोई बात करना, मेरा ख्याल थोड़ा सा इन्होंने हमारे नैब वालों को समझना चाहिए। मैं जो मेरी समझ में आते, मैंने इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया, मैं आप सर्च करूं। जी जी जी। एक अमीर खातून स्कूल तशरीफ ले गई, अपने बच्चे को दाखिल कराया, कहा मेरा बच्चा बड़ा सेंसिटिव है, अगर ये कोई गलती करे तो मारपीट की जरूरत नहीं, इसके साथ वाले बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया करें, ये समझ जाएगा। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि जो कोई भी कार्रवाई करना चाहता है वो फरियाल तालपुर के खिलाफ करना, असल मामला ये, वो जरदारी साहब को बताना चाहता है।
ख्याल है। और ये नहीं है, ये बात ऐसे ही जिस अंदाज से आप देख रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आखिर उस तकरीर की सजा तो मिलनी है ना। ठीक है, वो जो तकरीर उन्होंने कर दी थी तो कहीं अब लोग कहते हैं जी उसकी सजा मिल रही है। अब हो सकता है ऐसा ना हो, हो सकता, लेकिन बहरहाल जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आम आदमी से थोड़ी सी मुख्तलिफ। ठीक है, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सऊदी वजीर दिफा कल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हारून साहब, पहले वजीर खारजा आए, अब सऊदी वजीर दिफा आ रहे हैं, क्या इस्लामी इतिहाद में पाकिस्तान को नुमाया किरदार अदा करने के लिए प्रेशर बिल्ड करना चाहता है सऊदी अरब? देखिए, ऑब्वियसली सऊदी खानदान जो है ना, वो एक तो सऊदी अरब खुद मुश्किलात का शिकार है, एक रॉयल फैमिली मुश्किलात का शिकार है। ये दुनिया की वाहिद रॉयल फैमिली है जिसके मेंबर्स की तादाद कोई पूरी तारीख इंसानी में कभी ऐसे नहीं, 20-25 हजार है। और तरह तरह के मसले हैं और जमाना बदल गया है और आखिर को जाहिर है हर बादशाहत पे मुश्किल वक्त आना होता है और अब स्प्रिंग के असरात भी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस वक्त सारी हमदर्दियां जो हैं अरबों की वो सऊदी अरब के साथ हैं, उन्होंने इसे गेन किया, लूज नहीं किया। अब ये तो फॉलो अप दौरा है, ऑब्वियसली वो आर्मी तो कौन सी है, आर्मी तो एक तुर्क आर्मी है तो एक पाकिस्तान आर्मी, आर्मी कौन सी है कोई, ये मेरा ख्याल है 29 हजार की फौज है उनकी, असला वो खरीदे 50-60 बिलियन डॉलर का, मगर असला पड़ा हुआ है, मिसाइल पड़ा हुआ है, किस काम का है भाई? इट्स मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। सरगोधा में उन्होंने एक तोपची को हुक्म दिया, 71 की वार की बात है, ये शायद 65 की है, कि ये जहाज जो आ रहे हैं ये हमारे अपने हैं, ये फायर ना करना। उसने फायर किया और जहाज गिर पड़ा और वो इंडियन जहाज था। उससे पूछा गया ये तुम्हें कैसे पता चला, तो वो उसने सिपाहियों की मखसूस लैंग्वेज में कहा साहब आवाज साढ़े जहाज देने से यानी वो इतना फोकस होता है, ये पाकिस्तान आर्मी जो है इसके पास बजट नहीं है, सऊदी आर्मी के पास उससे बहुत बड़ा बजट, ईरानी आर्मी भी कोई आर्मी नहीं है, इराकी तबाह हो गई। ये सब कुछ इन्हें गौर करना चाहिए किस लिए हो रहा है, वो फॉलो अप के लिए आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान पे दबाव भी डालेंगे, तरगीब भी देंगे, रिक्वेस्ट भी कर हर काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो अपने कौमी मफादात देखने, हम सऊदी अरब को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सऊदी अरब हमारा 1970 से आनवर्ड सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। ठीक है, और उन्होंने बगैर शर्त के इमदाद दी, और जिसको भी दे देंगे सऊदी रॉयल फैमिली की खसूसियत है। अच्छा, कुछ शर्तें वर्तें ज्यादा नहीं लगाते, दबाव भी डालेंगे, तरगीब भी देंगे, क्या पाकिस्तान किसी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बन सकता है, मुमकिन किरदार क्या होगा इस इस्लामी? देखिए, अगर तो दाइश का मामला आया तो यस, पाकिस्तान इस तरह के किसी ऑपरेशन का हिस्सा भी बन सकता है। आसान है ये पाकिस्तान के लिए, दाइश दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना क्या जरूरी नहीं है? वो दुनिया के जिस हिस्से में हो हमारा स्टांस है, और खासतौर पर आलम इस्लाम के अंदर कोई दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान को उसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की इस 34 ममालिक के इत्तेहाद के अंदर शमूलियत इसलिए भी जरूरी है कि इसकी जो रंगत है वो फिरका वराना ना हो जाए। पाकिस्तान जब इसके अंदर मौजूद होगा तो पाकिस्तान इस तरह की किसी भी फिरका वराना अप्रोच के ऊपर काबू पा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसको न्यूट्रल और फोकस्ड रखेगा अगेंस्ट दाइश। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को इसको एक और ऑप्शन कबूल करना चाहिए। अभी मेरे ध्यान में एक और ऑप्शन भी हो सकता है, पाकिस्तान तुर्की और कोई दोस्त मुल्क मिल जाए, वो इसका हिस्सा बने और इसका करेक्टर ही बदल जाए। और तीसरी, इसका करेक्टर ही बदल जाए, इसमें फिरका वारियत की कोई शिकायत रहेगी ना। और तीसरी जो एक बात है वो जो मौजूदा सिनेरियो में जो कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव बढ़ा है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान को सऊदी सोच रहे हैं कि एक मैंडेट दिया जाए कि पाकिस्तान तनहा या किसी दूसरे के साथ मिलकर, होपफुली तुर्की के साथ मिलकर, इस मामले को ज्यादा उलझने ना दे बल्कि डैमेज कंट्रोल करे। ये सऊदी चाहते, लेकिन ईरान तो कह रहा है कि सऊदी मसले की मुनाफियत ईरान ईरान भी देखो, वो दोनों कहते रहेंगे, दोनों कहते रहेंगे। जो लोग झगड़ रहे होते हैं ना, एक वाक्य आपको पहले भी सुनाया था, दो आदमी लड़ रहे थे और कहां, मदीना मुनव्वरा में, और कब, जनाब रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। आपने फरमाया मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि अगर ये पढ़ ले तो इसको गुस्सा उतर जाए, ये अल्फाज एग्जैक्ट नहीं है, तो उसे जाके कहा गया तो उसने कहा मैं पागल हूं, मतलब मैं तो चाहे ठीक ही लड़ रहा हूं। जब आदमी गुस्से में होता है, वो इंडिविजुअल हो कोई कौम हो कश्मकश में, तो फीवर में होता है।
लेकिन सेंस प्रिवेल करेगी, नहीं लड़ सकते ये दोनों एक दूसरे के और साथ। आप देखिए कि इसमें अभी रिसेंटली इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया प्रिंस मोहम्मद ने, जो आ रहे हैं, जो वजीर दिफा पे, उन्होंने भी ईरान के बारे में कहा कि हम कोई जंग का इरादा किए हुए नहीं है और ईरान कोई हमारा कोई दुश्मन नंबर एक नहीं है। अच्छा, ईरान ने जो खत लिखा है बान की मून को, उसमें भी कहा है कि जनाब ये फिरका वाराना रंग है, हम भी आलम इस्लाम के इत्तेहाद के कायल हैं। तो अब जो सऊदीज है वो पाकिस्तान को ये मैंडेट देना चाह रहे हैं कि आप इस मामले को सुलझाएं, इस मामले को आगे ना जाने दें। अब देखिए, अब सऊदीज ने भी बड़ा दिलचस्प रवैया इख्तियार किया है कि प्रिंस मोहम्मद कहते हैं कि हमने जो अपने टाइज सीवियर किए हैं, यानी उनसे जो ताल्लुकात सफारतखाने का अमला वापस बुलाया है, तो दरअसल हमने ईरान को किसी मुश्किल में पड़ने से बचाया है। खुदा न खास्ता हमारा कोई बंदा मर जाता, कोई डिप्लोमेट मर जाता, किसी बच्चे को, किसी खातून को नुकसान पहुंच जाता, तो फिर ईरान कहां खड़ा होता। तो अब देखिए, अब मामला मतलब जो है कि वो गुंजाइश, इसका मतलब यह है कि गुंजाइश जो है वो निकल रही है और मामला हल हो सेविंग की कोशिश करें। देखिए, दोनों फेस से लेकिन खामोश होने की कोशिश करें। अच्छा, और पाकिस्तान के सामने भी यही नुक्ता नजर होगा, यही मकसद होगा कि इन दोनों को इंटरनेशनल लेवल्स पे चुप करा दें कि बस आप खामोशी से अपना सफारतखाना खोलें और अपना काम आगे बढ़े। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे नाज़िम, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे फाटा के हवाले से। हारून साहब, फाटा का क्या होगा, नया सूबा बनेगा या खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होगा? देखिए जी, बड़ी कशमकश होगी। अच्छा, गवर्नर साहब नहीं चाहते नया सूबा बने, उनकी तो सल्तनती इसमें मदगम हो, उनकी तो सल्तनती खत्म हो जाएगी। नहीं, जो पख्तूनख्वा का गवर्नर होता है वो तो बादशाह वक्त होता है ना, जिसको चाय हटाए जिसको चाय लगाए को पूछने वाला ही नहीं है ना। अच्छा जी जी, वो जो पॉलिटिकल एजेंट लगाते हैं उसके पास अदालती इख्तियारात हैं, इंतजामी इख्तियारात हैं, वो जेल भेज सकता है, पैसे दे सकता है, माली इख्तियारात हैं। ये जो एमएनए सेनेटर्स बैठे हुए हैं ये भी नहीं चाहते, इनकी क्या हैसियत रहेगी जब लोग आम वोट डालेंगे और इलेक्ट किए जाएंगे। अभी तो वहां बराई वगैरह कर लेते हैं, पार्टियां कन्फ्यूज हैं, सियासी पार्टियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। मसला तो बड़ा सीधा सादा है, देखिए वक्त बदल गया, वहां का माहौल बदल गया, अब उसको बाकी लोगों की तरह होना चाहिए, ये अदालतें वहां बननी चाहिए और ये पुलिस वहां होनी चाहिए, ये बाकी सरकारी अदारे हेल्थ केयर जो कि वहां कॉलेज बनने चाहिए, यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। जो आम आदमी है फाटक का वो ये चाहता है पख्तूनख्वा का हिस्सा हो जाए। अच्छा अच्छा, एक हजारा बेल्ट का प्रॉब्लम है, जो मेहताब अब्बासी साहब का भी प्रॉब्लम है, पहले पश्तून मेजोरिटी है तकरीबन, तो फिर तो बड़ी मेजोरिटी हो जाएगी, उसका अल्टीमेट हल तो फिर वहीं जाके निकलेगा, छोटे सूबे बनेंगे वो तो, लेकिन आज तो नहीं हो सकता ना, हर चीज का एक वक्त होता है। बिल्कुल सादा सी बात है, लियाकत अली खान के दौर तक 51 तक हर साल कुछ कबायली इलाका सेटल्ड एरिया बन जाता था। इसको एक दिन आपको करना पड़ेगा, वो उनमें क्या चीज मुख्तलिफ है जी, अव्वल तो आपको पता है कि आबादी बड़ी कम हो रह गई, वो ज्यादातर लोग माइग्रेट कर गए, वहाँ जॉब्स कहाँ है, वहाँ तालीमी इदारे कहाँ है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, सामाजिक निजाम तो वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है ना, ये हमारे सलीम साहबी साहब वहीं से ताल्लुक रखते है ना, कितने इनके तो खैर दादा माइग्रेट कर गए थे मगर इनके कजन वजन तो वहीं रहते हैं, कितने जनरल वहां से पैदा हुआ, कितने सिविल सर्वेंट पैदा हुआ, कितने लिखने पढ़ने वाले लोग पैदा हुए, भाई उनको अपॉर्चुनिटी दें, बिल्कुल वो सारे कवानीन वहां नाबज कर दें। और इससे कोई, मैंने काफी लोगों से पूछा इससे नुकसान क्या होगा, वो कहते इससे क्या नुकसान होगा, कुछ भी नहीं होगा, रह गया असला एक ये है कि एक बड़ी मिथ है, उनके अपने रस्म रवाज है, वो ये है फला, क्या रस्म रवाज है, जो साथ वाले इलाके के लोगों के रस्म रवाज है भाई उनके। अच्छा, आपने उनको कबायली करार दिया हुआ है, वो देखिए उनके खून का वही रंग है, उनको वही तहफ़ुज़ चाहिए, बिल्कुल उनको वही रोजगार चाहिए, उनको वही इंसाफ चाहिए। अच्छा अभी सब लोग तो माइग्रेट करके चले गए सारे, कराची, मर्दान, पिशावर, पिंडी भर गया, लाहौर में बिजनेस कौन कर रहा है,
आ रहा है, जाहिर है उन्हें आप उनका हक है, आप उन्हें रोक तो नहीं दे सकते। अच्छा अभी सब फाटा में इस्लाहात पर कई कमीशन कई कमेटियां बनी, जो मौजूदा कोशिशें हो रही हैं क्या ये भी बेकार साबित होंगे? देखिए अब मसला पहले थी सूरत हाल महज एक रजा कराना तौर पे, यानी हुकूमत सोचती थी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अब मामला ये है कि वहां पे नहीं, अब सीरियस लेना पड़ेगा ना, उसकी वजह वहां का सियासी और समाजी और इंतजामी ढांचा जो है वो तो दहशत गर्दी और फिर वहां पे फौजी ऑपरेशन के बाद मुकम्मल लिहाजा वहां पे जो सूरत हाल है बहुत बिगड़ी हुई है। अब वहां पे ऑप्शन इस वक्त तीन है, एक ऑप्शन ये है कि इसको अलग सूबा बना दिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको केपीके में इसका इंतजाम कर लिया जाए, ठीक है, तीसरा ये है कि इसको एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बनाया जाए जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए यहाँ पे, ये पूरा सूबा भी ना हो लेकिन सूबे से कम भी ना, इसमें से पॉसिबल हल क्या है? पॉसिबल हल देखिए, पॉसिबल हल तो ये तीनों है, नहीं सूबा क्यों? असल बात ये है कि इस रास्ते ये तो मंजिलें हैं जो हारून साहब भी बात कर रहे हैं, ये तो मंजिलों का तयन है, असल बात है कि उसमें पहला दूसरा तीसरा स्टेप क्या होगा, बहुत कम रह गया अभी, ये एक क्वेश्चन है जिस पे अब तक जिसका ना जवाब नहीं मिल सका, इस पर फिर बात होती रहेगी, ठीक है। तो आपके पास खबर जी, मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूँ वो है कराची के हवाले से, गुजर खान पे यार बात करनी थी, कल वहां से बड़ा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने कहा आपने उसको छोड़ दिया, भाई छोड़ नहीं दिया है, मसला यह है कि उनके भाई साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे, शौकत भट्टी, क्या नाम है, शौकत भट्टी, और वो उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है उसके भाई की, शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा जी ये कुछ गलत फहमी है फलां है वो, मैंने कहा हुजूर कोई गलत फहमी नहीं है, इसमें एविडेंस है बेशुमार, हमारा कोई झगड़ा उनसे नहीं, ना रोज अहमद दुनिया का, ना दुनिया टीवी का, ना मेरा, ना अभी बकरम साहब का, किसी का कोई झगड़ा उनसे नहीं है, हमारा कोई हमारी जमीन पर कब्जा उन्होंने नहीं किया, मैंने कभी देखा ही नहीं उन्हें आज तक। बात यह है कि शहर के लोग नाराज हैं, अंजुमन ताजरान नाराज है, वकील नाराज हैं, अंजुमन सर्राफा नाराज है, रेडियो खोखों वाले नाराज हैं, पीटीआई नाराज है, जमा इस्लामी नाराज है, पीपल्स पार्टी सख्त नाराज है, नून लीग नाराज है सबसे बढ़कर, नून लीग के लीडर शब रोज मुझे मांग के फोन करते हैं कि इनको माफ ना करें, लेकिन मैंने उनसे ये कहता हूँ कि देखो किसी चीज की कोई हद होती है, क्या करें हम, हमारा काम तो यह है जो फैक्ट्स हैं बता दें, और उनका कोई नुक्ता नजर है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। उनके भाई मैंने उनसे ये कहा भाई साहब लोगों के पास जाइए जो आपके खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमारा क्या दरसरी है, और वो शहर के लोग जो हैं वो मुजाहरे करना छोड़ दें, और खुद नून लीग के 10 काउंसलर और वहां के MPA और सारे अहदेदार सबके सब मुझे फोन कर रहे हैं, सबके मैसेजेस हैं इसमें तकरीबन, और चीफ मिनिस्टर्स को इसको नोटिस लेके मसले को हल करना चाहिए, जो इंसाफ की बात है वो करनी चाहिए, ठीक है। हबीब जी, KCR कराची सर्कुलर रेलवे, ये एक नाम बड़ा सुना जाता था कराची सर्कुलर रेलवे का, मैं आज आपको बता दूं कि कराची सर्कुलर रेलवे जी दोबारा जिंदा करेंगे, बना देंगे, अब उसका मुर्दा दफनाया जा चुका है। अच्छा, उसकी वजह है कि पाकिस्तान रेलवेज ने बिल्कुल खुल के सिंध हुकूमत को बता दिया कि जनाब कराची सर्कुलर रेलवे हम तो नहीं बना सकते, आपने अगर बनानी है तो बना ले, क्योंकि पंजाब वाले भी बना रहे हैं अपनी रेलवे, खुद बना रहे हैं शहर में, आपने बनानी है तो आप खुद बना ले। दूसरा उसमें यह मसला हुआ है कि 250 एकड़ लैंड है जो वहां पे मकबूजा है, जो कराची सर्कुलर रेलवे की बेसिकली वो पाकिस्तान रेलवेज की थी, पाकिस्तान रेलवेज ने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी ये लैंड आप रखें अपने पास और ये मकबूजा लैंड है, आप अगर खाली नहीं करा सकते तो हमें इसका ऑल्टरनेट लैंड दे दें आप हमें इतनी ही कीमत की, ठीक है। आप हमें लैंड कहा अल्टरनेटिव लैंड देना, ये पाकिस्तान रेलवेज ने कहा, अच्छा, कि हमें ये सारे हुकूमत सिंध को बार बार वो चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन इस तरह की चिट्ठियों का जाहिर है सुबाई को तो जवाब नहीं देते। अब सरकार जो है वो परेशान हो गई है, सिंध हुकूमत जो रेलवे के लोगों ने उन्हें कहा है 250 एकड़ से तो बड़े पैसे आ सकते हैं जी, तो बहुत रेलवे बन, लेकिन वो सारे के सारे हम सब मकबूजा है ना, उसके ऊपर आबादियां बन नहीं, जो मर्जी बने, इसका हल कोई नहीं, इसका हल ये है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसका हल, अच्छा आबादियां बन, अब पैसे तो वसूल कर सकते हैं ना, वो एक टेढ़ा मसला है कराची, वो तो एक बिल्कुल एक सेपरेट इशू हो जाएगा। तो कराची में अब 12 अगर रेलवे बननी है तो अब रेलवे प्रोग्राम का वक्त नाज़िर खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने करा।